आदिवासी नेता सुभाष मुंडा की निर्मम हत्या पर के विरोध में आदिवासी संगठन के लोग 11 बजे रांची बंद करने सड़क पर उतरे। नारो बाजार टाँड़ के पास रांची बुरला मार्ग को जाम कर दिया। दलदली चौक को ग्रामीणों ने शव रखकर जाम कर दिया। बंद समर्थकों ने पिस्का रेल क्रॉसिंग पास जाम किया और आगजनी की है। वहीं रेलवे सुरक्षा बल रांची थाना प्रभारी सुमन झा के अनुसार अभी तक बंद समर्थकों ने रेल सेवा को प्रभावित नहीं किया है। क्रॉसिंग के पास आरपीए बाल की तैनाती कर दी है। अभी तक रांची लोहरदगा रांची पैसेंजर का इस रूट से नियमित परिचालन हो रहा है। इसके अलावा कांके चौक पर जाम लगाया गया। इसके चलते रांची पतरातु मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। वहीं घटना के बाद नगरी थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया। उनकी जगह 2018 बैच के रोहित को थानेदार बनाया गया। जी हाँ, यहाँ पे सरकार का सिल्वर बोलेंगे, प्रशासन का सिल्वर बोलेंगे कि क्राइम व्यवस्था पे कोई प्लानिंग नहीं है। दिन में हेमंता स्पीच में बोलते हैं कि क्राइम व्यवस्था को ठीक करना है, शाम को गोली मार दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है रांची के लिए, सरकार के लिए और यहाँ के प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लिए कि ये लोग अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल बालू वसूली, थाना में जमीन दलालों के साथ मिल के वसूली यही कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था को ठीक से अगर देखेंगे, इस तरह क्राइम नहीं होना चाहिए था। आज हम लोगों ने एक भाई को आप देख रहे हैं कि लगातार भूमाफियों द्वारा जमीन के मामले पे हत्याएं की जा रही है। इसको मैं सरकार और प्रशासन के द्वारा बोलना चाहूंगा कि इसको व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, अन्यथा आदिवासी समाज जाग चुका है। एक घटना कल हम लोग भाई को खोए हैं, आगे इस तरह घटना ना घटे, नहीं तो उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। आदिवासी समाज आदिवासी यहाँ का लोग झारखंड का भोला भाला रहते हैं और जैसा कि हमारे सुभाष मुंडा जी एक जमीन भी कारोबारी करते थे और एक नेता भी थे, समाज सेवा भी थे, ऐसे व्यक्ति को जो है बाहरी तत्व के लोग जो है यहाँ पर आकर घुसपैठ कर यहाँ के लोगों को जो है मानसिक रूप से जो है एक दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से घटना है। अब हम लोग आदिवासी एक आक्रोशित हो गए हैं कि इस तरह से हमारे लोगों को जहाँ तहाँ बिना वजह का जो है मारा जा रहा है, छला जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग सरकार से अपील करेंगे कि ये सबको रोका जाए और नहीं तो हम लोग पूरे झारखंड के जो है आदिवासी एक होने का हम लोग प्रण किए हैं और सभी तरफ ये बैठक चल रही है कि अब हम लोग झारखंडी लोग एक हो और बाहरी लोगों को हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, उनका जो हमारा हक और अधिकार को जो है नहीं छीने, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी का हम लोग विरोध प्रदर्शन आज हम लोग कर रहे हैं पूरे झारखंड में, जहाँ तहाँ रांची में पूरे सभी तरह रोड जाम कर रहा है, जिससे हमारा आदिवासियों का एकजुटता का प्रतीक दिख रहा है और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा हम लोग का आने वाला दिन में हम लोग पूरे आदिवासी समाज एक संगठन में हम लोग जमा होने का प्रयास कर रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।